आपको हम सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ रन कर रहा है लेकिन इंजन बिल्कुल नहीं रन कर रहा है। अभी आप देख फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा 350 सीसी बाइक है। जो इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रा में भी आ सकता है, क्लासिक में भी आ सकता है, या फिर रॉयल इनफील्ड क्लासिक 500 सीसी या 350 सीसी, इन सभी बाइक में प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम बाइक का इग्निशन ऑन कर दिए हैं, देखिए जैसे सेल्फ से स्टार्ट कर रहे हैं, बाइक अभी देखो अभी न्यूट्रल है। अब देखिए जैसे हम बाइक को सेल्फ दबा रहे हैं, सेल्फ को रन कर रहा है लेकिन, देखिए सेल्फ रन कर रहा है लेकिन इंजन रन नहीं कर रहा, सेल्फ सिर्फ और सिर्फ सेल रन कर रहा है। देखिए सब ये स्टार्ट हो रहा है, ये कभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा कि इस क्लच कवर को खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको इंजन ऑयल को हमने यहाँ पर ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, चलिए हम फटाफट इस क्लच कवर को खोल करके बाहर निकालते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 रुपया तक इसमें बजट आएगा, इसमें नहीं तो इसमें 4500 रुपया भी लग सकता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने, वीडियो कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आपको हम सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ रन कर रहा है लेकिन इंजन बिल्कुल नहीं रन कर रहा, अभी आप देख रहे हैं, देखिए सेल्फ रन कर रहा है लेकिन इंजन बिल्कुल नहीं कर रहा, देखिए थोड़ा थोड़ा करके इंजन रन करने लगे, देखिए यही प्रॉब्लम हो जाता है कि सेल्फ रन करता है लेकिन इंजन नहीं रन कर रहा है। अब हम यहाँ से यही है सेल्फ वन में, जिसको हम लोग सेल्फ बैरिंग भी बोलते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे सेल्फ का पिनियन लगा हुआ एक दूसरे से अटैच है, तब इस सेल्फ वन बे को खोलना पड़ेगा। इसके लिए इस नट को ओपन करना पड़ेगा और ये 24 mm का इसमें बोल्ट लग जाए, 24 mm गोटी लग जाए, इस वाले बोल्ट को भी ओपन करना पड़ेगा। चलिए हम फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, एक बोल्ट ओपन हो गया। अब हम इस वाले बोल्ट को भी थोड़ा ही ओपन खोल कर नहीं निकलना है, देखिए थोड़ा ही हम ओपन कर लिए। अब इसको थोड़ा बाहर की तरफ पुश करना है, इसको दोनों को भी आप देखो सेल्फ चेन जो है इसको हम थोड़ा लूज कर लेंगे, यहाँ से सेल्फ चेन को थोड़ा ढीला कर लिए, अब जो है फिर सेल्फ पिनियन जो है फाइनली मेरा बाहर निकल गया, आप देख रहे हैं। अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट ओपन कर रहे हैं, किस तरह से जाम पड़ रहा है, कितना ज़्यादा जाम हो गया, बाहर भी नहीं निकल रहा। अब यहाँ पर देखिए यही वो सेल्फ पिनियन है, सेल्फ वन वे है, देखिए यही सेल्फ बैरिंग है, यही एक दूसरे से टच करता है, ये इसमें देखिए इसमें प्रॉपर ये सेटिंग हो जाता है। लेकिन ये गोली आप देखिए यहाँ पे गोली में अंदर देखिए गोली किस तरह से इसका जो है घिस चुका है एक दूसरे, देखते हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे, अगर इसी का जगह ये फुल असेंबल हम लोग चेंज करते हैं, फुल असेंबल आता है, अगर फुल असेंबल लीजिए तो यही एक को पड़ता है 2200 रुपया और एक को पड़ता है 4200 रुपया। अभी यहाँ पे नहीं 4200 का चेंज करना है, नहीं को 2200 वाला चेंज करना है, इसमें चेंज करना सिर्फ और सिर्फ ये फुल असेंबल नहीं चेंज करना, आपको 4200 का खर्च में बिल्कुल नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके एक स्क्रेच भी लग गया, इसको हम रैपर की मदद से स्क्रेच को अच्छा से क्लीन कर लेंगे, तो रैपर की मदद से इसको इस तरह से अच्छा से इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर मेरा क्लीन होगा, अब इसको हम वॉश अच्छा से क्लीन कर लेते हैं फ्रेश टावल के मदद, इसी तरह से आपको दोनों को भी अच्छा से क्लीन कर लेना है। उसके बाद देखिए यही वो सेल्फ बैरिंग है जो हम ऑनलाइन परचेज किए हैं, देखिए इसका प्राइस भी बिल्कुल कम है, सिर्फ और सिर्फ यही बैरिंग जो है जो ख़राब हो जाता है उसके कारण से सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है और सेल्फ में जो कराक कराक का साउंड आते रहता है। देखिए पुराना वाला देखिए किस तरह से इसका गोली जो है सो लटक रहा है, आप देख रहे हैं, देखिए नया वाले में बिल्कुल ये नहीं लटक रहा है, इसी का प्रॉब्लम देखिए यहाँ से एक दूसरे से गोली जो है इसका घिस चुका है, देखिए अंदर से दिख लो भाई नज़दीक से, आप यहाँ पर देख रहे देखिए किस तरह से इसका एक दूसरे से गोली जो है घिस चुका है, इसी का प्रॉब्लम से बाइक जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, देख रहे हैं आप किस तरह से इसका गोली घिस चुका है। इसको इसके अंदर हम प्रॉपर सेटिंग कर, देखिए प्रॉपर सेट हो गया, और चलिए अब जो है सो इस वाले को हम पिनियन को देखिए एक तरफ से देखिए प्रॉपर रन कर रहा है, ये फ्री है, एक तरफ रन करते लॉक हो जाता है, देखिए लॉक हो जाता है, जिस तरफ से लॉक होता है उस तरफ से अब ये प्रॉपर सही है, तब प्रॉपर हमने यहाँ पे सेटिंग कर लिया। अभी सेल्फ चेन को यहाँ पे टाइट कर लेते थोड़ा, देखिए प्रॉपर सेटिंग हो गया। अब इन दोनों नट को हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं,
टाइट हो गया। अभी से हम फौजी वाले नट को प्रॉपर टाइट करते हैं। ये भी नट मेरा प्रॉपर टाइट हो गया। अब इस गैस्केट को हम अच्छा से यहाँ से क्लीन कर लेते हैं, हमारा बॉन्ड सोल्यूशन था उसको। तो फ्रेंड देखिए, इस क्लच का काम यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्लच कवर, क्लच हाउसिंग को यहाँ पे प्रॉपर हम सेटिंग कर लिए। सेल्फ चेन को भी यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट कर दिए, टेंशनर लगा एडजस्ट करने के लिए। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होते रहते हैं, ढीला होता है तो। उसके बाद इसे अंदर सेल्फ बैरिंग में हम यहाँ पे सेल्फ वन वे असेंबली, फुल असेंबली नया नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ इसका ये गोली चेंज किया है, सेल्फ वन वे का ये सिर्फ और बैरिंग चेंज किए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो भी पिनियन है टोटल पुराना ही लगा है, सेल्फ पिनियन वगैरह टोटल चीज पुराना, प्रॉपर इसके काम कंप्लीट हो गया। अब आपको हम स्टार्ट करके दिखला रहे हैं कि सिर्फ पिनियन रन कर रहा है या फुल इंजन को रन कर रहा है। देखिए अब यहाँ सेल्फ प्रॉपर रन कर रहा है, देखिए सेल्फ प्रॉपर रन कर रहा है। पिनियन देख रहे हैं आप, यहाँ पे पिनियन बिल्कुल नहीं, फुल सेल्फ स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस बाइक का सेल्फ का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसमें हम नया इंजन ऑयल भी डाल दिया है। इसमें क्लच कवर को काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्योंकि इंजन ऑयल इसका काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया और ख़राब हो गया था, इसलिए हमने इंजन ऑयल नया डाला है। अगर आपके बाइक में इंजन ऑयल सही है तो पुराना ही इंजन ऑयल डाल दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बाइक में। अब चलिए आपको बाइक को स्टार्ट करके हम दिखला रहे, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ का काम कंप्लीट हो गया। बाइक को हम यहाँ पे इग्निशन ऑन कर लिए। देखिए बाइक को हम कर रहे हैं सेल्फ से स्टार्ट। देखिए बाइक प्रॉपर मेरा स्टार्ट हो गया है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। सिर्फ और सिर्फ इस बाइक में ड्राइव हो जाए। देखिए स्टार्ट होगा, फिर से आपको हम ऑफ करते हैं। चलिए स्टार्ट करें, देखिए प्रॉपर स्टार्ट हो गया। देखिए ऑफ करें, फिर स्टार्ट करें, ऑफ कर दिए, फिर से स्टार्ट करें, ऑफ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबसे फर्स्ट में देखे थे कि बाइक से यहाँ सेल्फ से कितना भी दबा रहे थे तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसका ये वन वे चेंज करके, सेल्फ बैरिंग चेंज करके आप सेल्फ का प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके बाइक से सेल्फ से कट 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 का साउंड आ रहा है, उस टाइम हो सकता है आपके बाइक का कार्बन खराब होगा या फिर बैटरी डाउन होगा या फिर ये रिले खराब होगा। लेकिन यहाँ पे सेल्फ प्रॉपर रन कर रहा था, लेकिन इंजन को रन बिल्कुल नहीं कर रहा था, इंजन को घुमा नहीं पा रहा था। उस टाइम ये वायरिंग खराब हो जाता है और इंजन क्राक क्राक का जो साउंड आता है, उस टाइम ये वायरिंग ही खराब रहता है, सेल्फ से क्राक क्राक का साउंड आता है। परचेज कैसे करना है, इसको परचेज करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर एक कस्टमर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बाइक में ऐसा प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ ये वन वे चेंज कर दीजिए, आप परचेज कर लीजिए ऑनलाइन और मैकेनिक के पास जाइए, बोलिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चेंज कर दीजिए। वही मैकेनिक कॉस्ट जो होगा 100-200 रुपया वो लेगा और आपको ये वन वे चेंज करके दे देगा। उस टाइम आपको 4500 से 4600 रुपया आपको बच जाएगा, क्योंकि फुल असेंबल सेल्फ का लीजिएगा तो 4500 रुपया पड़ता है एक का, और एक का पड़ता है 2500 रुपया। कुछ दिन पहले भी हम चेंज किए थे, उसमें ये सब टोटल टूट फूट गया था, जो जिस जगह हम सरेस से फ्रेश किए थे उसको घस घस करके पॉलिश किए थे वो बिल्कुल डेड कर गया था, खराब हो गया था। उस टाइम हमने पूरा सेल्फ असेंबली ही नया डाले थे। तो फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बाइक के रिलेटिव आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।